इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे हम लोग। अपनी इंटीग्रेशन की पहचान है, लिमिट दी गई होगी। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx, तो बच्चों i बराबर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। बस ये ध्यान दीजिए, लिमिट केवल x वाले पार्ट में देंगे, लिमिट 1 से 2। ठीक है, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट रखते बोलते हैं। जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले अपर लिमिट रखी जाती है, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखी जाती है। देखिए पहले एक बार 2 का क्यूब माइनस माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट मीन्स 1 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 मीन्स 7 बाई 3 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√0 to 1 है लिमिट 1/√x + 1 और +√x। तो देखिए बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे, बिल्कुल कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + x − √x / a − b बन जाएगा a² - b² x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 0 to 1 √x + 1 dx और 0 to 1 √x dx, मतलब स्प्लिट कर दिया। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x³/3/2 होता है, लिमिट 0 to 1 अप्लाई करेंगे, -2/3 ये भी होगी x³/3/2, लिमिट 0 to 1 लगाएंगे। तो 2/3 एक बार लिमिट अपर वाली रखेंगे, मीन्स 1 रखेंगे x की जगह, तो 1 + 1³/3/2 माइनस एक बार 0 रखेंगे तो 1 + 0³/3/2 माइनस 2/3 ये लिखा रहा है, एक बार 1 रखेंगे 1³/3/2 माइनस एक बार 0, तो 2/3 तो कॉमन ही है, ये 2³/3/2 हो जाएगा, -1³/3/2 मीन्स 1 आ जाएगा, माइनस ये भी 1 आ जाएगा, ये 0 रह जाएगा। ये 2/3 ये बन जाएगा 2³/3/2 को 2√2 लिखते हैं, -1/1 2 हो जाएगा, मीन्स 4/3, 2 कॉमन ले लें तो 4/3√2 - 1 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2 1 + 1 - cos x dx। तो बच्चों जानते हैं कॉस के साथ 1 दिखता है, कॉस को 1 कैंसिल करने वाला फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाएंगे 1 - 2 - 2 sin²x / 2 sin²x, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2√2 sin²x, √2 sin²x, √2 sin x, तो रूट माइनस ये √2 बार आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, देखिए माइनस को बाहर ले दिया, कॉस एक्स लिमिट 0 to π/2, एक बार π/2 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, cos π/2 वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे √2 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/4 tan²x, देखिए tan²x का इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है, तो tan²x की जगह लिखेंगे sec²x - 1 dx, sec²x dx को अलग किया, 1 को अलग किया, sec²x का इंटीग्रेशन 10x, लिमिट 0 to π/4 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/4, तो एक बार अपर लिमिट 10π/4 माइनस एक बार लोअर लिमिट 10 0, यहाँ पर भी π/4 माइनस 0, 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 - 0 माइनस यहाँ से π/4 आएगा, तो आंसर आ गया 1 - π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 sin²x dx, तो बच्चों हम लोग sin²x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो sin²x की जगह लिखते हैं 1 - cos²x / 2, ये भी हम लोग जानते हैं, तो sin²x की जगह मैंने ले लिया 1 - cos²x / 2, अलग अलग करेंगे, 1/2 अलग होगा 1 dx, 1/2 अलग होगा cos²x dx, अलग हो गया 1/2, ये लेकर 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 to π/2 -1/2 cos x का इंटीग्रेशन sin²x, अपॉन में 2 आ जाएगा, लिमिट 0 से π/2 1/2 ये लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका 1/4 हो जाएगा, एक बार π/2 रखेंगे, मैंने एक बार साइन 0, तो ये आपका π/4 हो गया, -1/4, ये 2 से 2 कैंसिल, sin π - sin 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, मीन फाइनली आपका π/4 आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया आई बराबर 0 to π/4 sin³x cos²x dx, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 ये लिखा रहा है 2 sin A sin B फार्मूला, cos A फार्मूला होता है sin C + D sin A + B + sin A - B dx, 1/2 ये लिखा रहा है 0 से π/2 ये sin⁡5x हो जाएगा, ये sin⁡x हो जाएगा, 0 से π/2 sin⁡5x dx अलग हो गया, 1/2 ये sin⁡x dx अलग ही हो गया, sin⁡x का इंटीग्रेशन cos⁡x अपॉन में 5 आ जाएगा, -1/2 यहाँ से sin⁡x का cos⁡x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से एक बार अपर लिमिट रखेंगे, 10 बाहर आ गया, 1/10 cos π/2 - cos 0 -1/2 ये लिखा रहा है cos π/2 - cos 0, cos π/2 वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, इसी तरीके से 1/2 cos π/2 वैल्यू 0 और 0 की वैल्यू 1, तो आपका बन गया ये 1/10 + 1/2, एलसीएम लेंगे 10 1 + 5 - 6/10 - 3/5 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 0 to 4 1/x + √x dx आपको दिया गया, तो बच्चों रूट एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1/√x + 1 dx आ जाएगा, अगर यहाँ लेट करें √x + 1 को t, तो √x का 1/2√x dx = dt, तो कॉमन आपको 1/√x दिखेगा, dx = 2 dt। अब बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिमिट अप्लाई होगी, देखिए अगर यहाँ पर आपने लेट किया है तो लिमिट चेंज होगी, अब लिमिट चेंज कैसे होती है ये आपको देखना है, इतनी चीज़ की जगह तो हम dt लिख देंगे 2 dt, तो देखिए 2 ये लिख दिया, dt ये लिख दिया, अब देखिए लिमिट चेंज होगी, जो हमने चीज़ लेट किया है वहाँ पर एक बार x की जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ पर जब x की जगह 0 रखते हैं तो √0 + 1 मतलब t, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1, देखिए लिमिट आ गई आपकी 1। इसी तरीके से एक बार 4 रखेंगे आके, तो टी एक्स की जगह 4 रखेंगे तो √4 + 1 = t, मीन्स 2 + 1 3 में t की वैल्यू कितनी आ गई 3 होगी, ये लिमिट चेंज होगी, जब जब लेट करेंगे तब तब लिमिट चेंज होगी, ये ध्यान रखिएगा। आई बराबर ये 2 आपका ऐसे लिखा रहा है 1/d का इंटीग्रेशन लॉग t लिमिट 1 to 3, मीन्स लॉग एक बार अपर लिमिट मतलब लॉग t माइनस एक बार लोअर लिमिट लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो 2 log 3 आपका आंसर बन जाएगा।
तो बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चंस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, जो भी आपको दिक्कतें समझ में आए आप दिक्कतें जरूर पूछिए, ठीक है। और बाकी आपकी सेवा में तत्पर हैं, जो जो आप पूछते जाएंगे बताते जाएंगे। धन्यवाद।